बीजेपी का मतलब सेवा है, अपना सेवक बनाए रखना। खोखले प्रचार नहीं करते हैं हम, भाजपा को दिल में बसाए रखना। खोखले प्रचार नहीं करते हैं हम, भाजपा को सेवक बनाए रखना। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तो। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। चुनावों के बीच अब दिल्ली एमसीडी चुनाव की जंग भी और तेज और दिलचस्प हो गई है। क्या पिछले कई महीनों से जिस चुनाव का इंतजार आम आदमी पार्टी कर रही थी, वही दिल्ली एमसीडी चुनाव आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ने वाले है। क्या गुजरात और हिमाचल के साथ साथ एमसीडी के चुनाव होना भाजपा को फायदेमंद साबित होगा? क्या इस गेम में अब कांग्रेस की एंट्री से आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों सकते में है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव में किसमें कितना है दम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। दिल्ली एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 दिसंबर को दिल्ली एमसीडी यानी कि नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और इसी के साथ ही सभी पार्टियों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ तो कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी के लिए दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, वहीं अपनी अपनी रणनीति के साथ अब प्रचार प्रसार की तैयारियां भी तीनों पार्टियों ने शुरू कर दी है। कूड़े के पहाड़ पर केजरीवाल ने भाजपा को जमकर निशाने पर लिया था। सफाई और कूड़ा निस्तारण के मुद्दे पर भाजपा को घेरने में कोई कसर न छोड़ने के साथ ही आम आदमी पार्टी एक्टिव है। अलग अलग वार्डों में पार्टी के संगठन को तेजी के साथ बढ़ाया गया है, जो कि निगम चुनाव में फायदेमंद साबित हो सकता है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक काफी वोकल हैं। सफाई के मुद्दे को जमकर उठाया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को महाठग सुकेश से ठगी, मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले पर घेरने में भाजपा भी पीछे नहीं। दोनों पार्टियों में से किसका पलड़ा भारी है, ये बताने से पहले नजर डालते हैं दोनों पार्टियों को किन मुद्दों पर मुंह की खानी पड़ सकती है और कांग्रेस किसका गेम बिगाड़ेगी। पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। बहुत शर्म आती है। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया भर से लोग दिल्ली में आते हैं और जब दिल्ली में आते हैं तो क्या देखते हैं? कूड़े का पहाड़ देखते हैं। बड़ी इलेक्शन मशीनरी के साथ आम आदमी पार्टी को भाजपा इस लड़ाई में हराने के लिए तैयार बैठी है। साथ ही गुजरात हिमाचल के चुनाव की तैयारियों में लगी आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से घेर लिया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जमीन मजबूत है, लेकिन गुजरात का मूड और हिमाचल का रिवाज बदलने के लिए पूरी ताकत लगाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में डर ये भी है कि दिल्ली की सियासी जमीन न खिसक जाए, गुजरात और हिमाचल हाथ में आए ना आए, लेकिन दिल्ली एमसीडी भी हाथ से ना चला जाए। ऐसे में भाजपा, जो राष्ट्रीय स्तर पर पहले से मजबूत है, इसका फायदा उठा सकती है। वहीं सुकेश चंद्रशेखर से रिश्वत के आरोप, सतेंद्र जैन की गिरफ्तारी, शराब घोटाला, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी चुनाव में भी माइनस पॉइंट साबित हो सकते हैं। सेवा ही विचार नहीं, खोखले प्रचार, एमसीडी में फिर आएगी एक बार बीजेपी सरकार। बात भाजपा की कर ली जाए तो लगातार 3 बार से जीत रही भाजपा आम आदमी पार्टी के खिलाफ मैदान में है, लेकिन चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी। इससे भी ज्यादा बड़ी चुनौती है अरविंद केजरीवाल की ब्रांड इमेज और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार गुजरात चुनाव के लिए भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम में भाजपा पिछले 15 सालों से है, इसके बावजूद सड़क और गंदगी जैसी कई समस्याएं हैं, जिसको लेकर लगातार भाजपा को आम आदमी पार्टी घेरती रहती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी इसे काफी बड़ा मुद्दा बना सकती है और इसका इशारा कूड़े के पहाड़ पर जाकर पहले ही अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। दिल्ली के इलाकों में कूड़े का मैनेजमेंट, एमसीडी दफ्तर में तरह तरह के लाइसेंस बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना, ये भी एक बड़ी समस्या है जिसे आम आदमी पार्टी उठा सकती है। वहीं एमसीडी चुनाव में इस बार कांग्रेस भी दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। 2007 के बाद से निगम में कभी भी अपना दबदबा ना बना पाई कांग्रेस इस बार शीला दीक्षित के 15 साल के कामकाज को लेकर दिल्ली की जनता के बीच जाने वाली है। दिल्ली की जनता का मिजाज समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लोकसभा में वो भाजपा के साथ जाती है, विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सत्ता में लेकर आती है और भाजपा फिर एमसीडी में आ जाती है। ऐसे में आने वाला वक्त बताएगा कि एमसीडी चुनाव में कौन बाजी मारेगा, लेकिन कांग्रेस की एंट्री भी इन दोनों पार्टियों में से किसका गेम बिगाड़ेगी, इस पर सभी का फोकस है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के सहारे लगातार अपनी सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में दमखम दिखा रही है। वहीं भाजपा गुजरात हिमाचल के साथ एमसीडी में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रही है और इस बार नए चेहरों पर दाव चल सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।